हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर नेहा खेरा, आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप सब लोग के लिए कुछ लेकर आई हूँ, वो है ये। इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इसे कहते हैं स्पायरोमीटर और ट्राइफ्लोमीटर। अगर आप कोविड पेशेंट हैं या कोविड से रिकवर कर चुके हैं तो आपके डॉक्टर ने जरूर ही ये प्रिस्क्राइब किया होगा आपको, आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे आप अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सही तरीका नहीं पता होता इसे करने का, तो ये बस एक बेड के पास पड़ा हुआ शोपीस बन के रह जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे किस तरह से यूज करना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, रिसर्च कहती है कि जो पेशेंट सिर्फ मेडिसिन लेते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेडिसिन तो लेते ही हैं लेकिन साथ साथ में एक्सरसाइजेस भी करते हैं, उनका रिकवरी रेट ज्यादा होता है। मतलब कि वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो जितनी ज्यादा जरूरी हमारे लिए मेडिसिन लेना है, उतना ही जरूरी हमारे लिए एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज में ब्रीथिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कोविड पेशेंट्स को ये सिम्टम आते हैं कि जल्दी बात करते करते थक जाना, थोड़ा सा चलने पे हाफ जाना। तो ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि लंग कैपेसिटी वीक हो जाती, कम हो जाती है। तो लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसके लिए स्पायरोमीटर बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि स्पायरोमीटर कैसे यूज किया जाता है। ये है स्पायरोमीटर, इसमें है तीन बॉल्स, रेड बॉल, येलो बॉल एंड ग्रीन बॉल। जो रेड बॉल है उसके ऊपर लिखा है 600 cc/s, जो येलो बॉल है उसके ऊपर लिखा है 900 cc/s, और जो ग्रीन बॉल है उसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 1200 cc/s। ये क्या है? ये है लंग्स की कैपेसिटी। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो और आपके सिर्फ एक ही बॉल ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी है 600 cc/s। अगर रेड एंड येलो दोनों बॉल ऊपर जा रही है तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है यहाँ पर 900 cc/s। अगर आपकी तीनों ही बॉल ऊपर जा रही है तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी है 1200 cc/s। और हम इसे दो तरीके से यूज करते हैं, एक सीधा रख के और एक उल्टा रख के। अब दो तरीके से क्यों यूज करते हैं? सीधा रख के हम हमारी इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, यानी कि सांस को खींचने की, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। हमें इस पाइप में सांस खींचनी है तो हमारी तीनों बॉल्स ऊपर जाएंगी। हो सकता है शुरू में आपकी एक ही बॉल ऊपर जाए, कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे आप रिपीटेशन करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इसे डेली करेंगे, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और तीनों बॉल्स ऊपर जाने लगेंगे। फिर जब हम उल्टा करके करेंगे तो हम इसमें अपनी एक्सपिरेशनल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी सांस को छोड़ने की कैपेसिटी को हम बढ़ा रहे हैं। तो जब हम इस पाइप में हमें सांस को छोड़ना है तो बॉल ऊपर जाएगी। हो सकता है शुरू में ये भी एक ही जाए, लेकिन कोई बात नहीं, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तीनों बॉल्स ऊपर जाने लगेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि माउथ पीस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम हमारी सीधा रखा है, इट मींस कि हम हमारी इंस्पिरेशनल कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी सांस खींचने की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हमें पाइप में सांस खींचनी है। इस तरीके से हम सीधा रख के जब करेंगे तो सांस खींचेंगे। अब जब हम उल्टा रख के करेंगे, यानी जब हम हमारी इंस्पिरेशनल कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमें सांस छोड़नी है। इस तरीके से है ना, बहुत ही इजी इसे यूज करना। बस आपको इंस्पिरेशनल ये नहीं करना है, लेकिन जब आपको सीधा रख के करना है तो भी आपको 10 बार करना है दिन में 2 बार, और जब आप उल्टा रख के करेंगे वो भी आपको 10 बार करना है दिन में 2 बार। इसे करना बहुत ही इजी है, और इसे करने से आप ये नोटिस करेंगे, इसे करने के बाद आप ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे तो वो 96-97 तक चला जाएगा, क्विक 96-97 तक जाएगा। और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका जो हांफने वाली प्रॉब्लम है या जो आपकी सांस फूल जाती है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी इसको करने से। और जैसे ही आपकी जब तीनों बॉल्स ऊपर जाने लगे इसकी, तो इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन की जरूरत है। मतलब कि आपको अब ये जब तीनों बॉल ऊपर जा रही है तो वहां पे आपको क्या करना है, फिर उसे वहां पे रोक के रखना है, 5 सेकंड तक रुकना है, 1 2 3 4 5, और इसे छोड़ रिलीज कर देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको स्पायरोमीटर का यूज कैसे करना है। और मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, जिससे घर बैठे ही आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। और आज भी मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए कुछ नॉलेजेबल वीडियो मैं लेके आऊं, ताकि घर बैठे ही आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, किसी सेंटर में जाने की जरूरत ना पड़े, घर बैठे ही आप एक्सरसाइजेस से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ये स्पायरोमीटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोविड पेशेंट है या आप कोविड से
रिकवर कर रहे हैं, तो इसे जरूर यूज करिए आप, इसी तरह जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, और इसी तरह की और छोटी छोटी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो इस स्पायरोमीटर का यूज करके अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल सके उन्हें भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।